নমস্কার, দ্য সোশ্যাল বাংলা ভয়েস অফ ডেমোক্রেসিতে টিএনএ রিপোর্ট নিয়ে আমি দীপঙ্কর আপনাদের সামনে হাজির। ত্রিপুরা রাজ্য রাজনীতিতে এক নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিয়েছে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের নতুন কমিটি গঠন। আজ টিএনএ রিপোর্টে আমরা তুলে ধরব কেন কি পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরায় প্রদেশ যুব কংগ্রেসকে শুদ্ধিকরণ করতে উদ্যোগ নিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা। আমরা কথা বলে জানার চেষ্টা করব টিএনএ রিপোর্টে দিল্লি থেকে সরাসরি যিনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন টেলিফোনিক সাক্ষাৎকারে, ত্রিপুরার নতুন কমিটি গঠন করার পর কি পরিস্থিতি হচ্ছে এবং আগামী দিনে ত্রিপুরা যুব কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য কি রণকৌশল নিচ্ছেন যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্বরা, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের আপডেটস আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আবি হামারে সাথ জুড়নে ওয়ালে হ্যায় এআইসিসি সে ইউথ কংগ্রেস কে জো ন্যাশনাল সেক্রেটারি হ্যায় মিস্টার ডক্টর স্মৃতি রঞ্জন ল্যাঙ্কা জি, হাম উনকে পাস আবি পৌঁছ রহে দিল্লি আইসিসি হেডকোয়ার্টার সে হামারে সাথ আবি জুড়নে ওয়ালে হ্যায় ন্যাশনাল সেক্রেটারি ইউথ কংগ্রেস কি। আবি, জো ত্রিপুরা কে রাজনৈতিক মৌজুদা হালাত হ্যায় উসকো মদ্দেনজর রাখতে হুয়ে ইউথ কংগ্রেস কো নয়ি তরহ সে সাজানে কে লিয়ে জো নির্ণয় লিয়া হ্যায় এআইসিসি কি ইউথ কংগ্রেস ডিপার্টমেন্ট, উসকে বারে মে আপ তফসিল সে জানেঙ্গে। স্মৃতি জি, পহলে আপকো দ্য সোশ্যাল বাংলা মে বহুত বহুত স্বাগত হ্যায় ত্রিপুরা সে। जो चीज आपसे जानना चाहते हैं, 19 चुनाव से पहले इस तरह से क्यों आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आपके यूथ कांग्रेस को त्रिपुरा में? देश में बेरोजगारी चली जो इस मात्रा में बढ़ी है और देश में जो निकला इमरजेंसी की सिचुएशन है, चाहे वो अनकंस्टिट्यूशनल फाइव कंस्टिट्यूशनल एजुकेशन को देखेंगे, सीबीआई हो, एजुकेशन एसोसिएशन हो, टेक भी सारे देश में जो इमरजेंसी की सिचुएशन है, ये हालात पर अभी युवाओं को आने वाले दिनों में देश के देश को एक इलेक्शन सामना करना है जो देश की भाग्य निर्धारित करेगा। तो उस समय इसको नजर रखते हुए हमारे मोदी क्या कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जो आईओएनसी के इंचार्ज है माननीय कृष्णा अमानुल जी और जो हमारे अध्यक्ष है आईओएनसी के अध्यक्ष केशव चंद्र यादव जी और उपाध्यक्ष श्रीनिवास बी वी श्रीनिवास जी, उनके साथ चर्चा करने के बाद सारे युवाओं को, जो युवा हमारे आने वाले दिनों में यूथ कांग्रेस को आगे लेके जाए, उन लोगों को एक बड़े जिम्मेवारी दिए गए हैं और एक बढ़िया कमेटी बनाए जो कमेटी आने वाले दिनों में त्रिपुरा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को आगे लेने के लिए काम करे। त्रिपुरा में अभी जो म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन हुआ है उसमें आपके पार्टी यानी कि कांग्रेस दूसरे नंबर पर उठ के आया है, जो पिछले इलेक्शन में असेंबली इलेक्शन में तीसरे या चौथे नंबर पे था, उसका क्या असर पड़ेगा अगले चुनाव में 19 चुनाव में? त्रिपुरा में जो यूथ कांग्रेस की नया टीम आपने बनाया है उसमें प्रेसिडेंट जो पहले था वही है और जो वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, उसमें कुछ नया फेस उठ के सामने आया है, उस फेस को आपने किस तरह से बनाया है? न्यू और पुराने को मिला जुला के एक नया कमिटी जो दिख रहा है, जो लिस्ट में वो दिख रहा है, उससे क्या उपेक्षा रखते हैं आप? नहीं, जो हमने देखे कि कभी की में बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग जिनको हमें वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है, प्रेसिडेंट जो थे वो हमारे प्रेसिडेंट है, वो एक्सपीरियंस तो वो भी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग काफी दिनों से संगठन में काम कर रहे हैं, जो लोग आने वाले दिनों में और ज्यादा टाइम दे पाएंगे संगठन में, ये सब नजर जिताने के लिए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ये टीम
फिलहाल कुछ ही दिन हुआ है, यानी 2 या 3 दिन हुआ है, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमित शाह जी, उन्होंने त्रिपुरा में विवेकानंद ग्राउंड पर एक इलेक्शन के पहले ही एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया है कि अगले वाले चुनाव में यानी 19 चुनाव में यूथ एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ रखेंगे, मैनिफेस्टो में भी यूथ के लिए रखेंगे। और आपसे जानना चाहते हैं आपकी पार्टी यानी कि नेशनल कांग्रेस से यूथ एम्पावरमेंट के लिए बोलिए या यूथ रोजगार के लिए बोलिए, क्या मैनिफेस्टो में त्रिपुरा के लिए और पूरे देश की यूथ के लिए क्या रोचन आने वाला है, यूथ के लिए आप क्या स्पेशल मैनिफेस्टो में रखने वाले हैं, क्या प्लान है आप लोगों का? एक सवाल और लेकर एक सवाल और लेंका जी आपसे जानना चाहते हैं, आप बीजेपी के जो कार्यकर्ता है यानी और उनके जो लीडर लोग हैं, उन लोगों का दावा है त्रिपुरा में बोलिए या पूरे देश में बोलिए, भाजपा की सरकार होने के बाद यूथ एम्पावरमेंट और खास कर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जोर दे रहा है, क्या बोलेंगे यूथ को किस तरह से स्किल कर रहे हैं वो लोग, आपका क्या मानना, मानना नहीं चाहते क्या स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है भाजपा? त्रिपुरा के यूथ कांग्रेस के न्यू टीम को जो आपने गठित किया है, उनको क्या मैसेज और क्या शुभकामना देना चाहते हैं द सोशल बांग्ला के ओर से? सब कमेटी अभी 10-15 दिन में ये वो कमेटी आ जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। দেশ সমাজ রাষ্ট্রগঠনের অন্যতম রূপরেখা নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে যুবশক্তি। আর এই যুবশক্তিকে লোকসভা নির্বাচনের আগে শান দেওয়ার কাজে হাত লাগিয়েছে প্রদেশ যুব কংগ্রেস। তাকে আরও মজবুত এবং নতুন দিশা রোডম্যাপ গঠন করার জন্য নতুন কমিটি গঠন করেছে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস নেতৃত্বরা। তবে লোকসভা নির্বাচনের আগে তাদের রাজনৈতিক শক্তি পুনরুদ্ধার করে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা তৈরি করে ত্রিপুরার রাজনীতিতে যুব কংগ্রেস কংগ্রেসকে কতটুকু অক্সিজেন যোগাতে সক্ষম হবে ইত্যাদি প্রমাণিত হবে আগামী দিনের রাজনৈতিক বিশ্লেষণের উপর। আর ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত ধরনের আপডেটস পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সোশ্যাল বাংলা। ভিজিট আস অ্যাট www.thesocial.in আর অবশ্যই দেখতে থাকবে ট্রেনিং রিপোর্ট দীপঙ্করের সঙ্গে। নমস্কার।